आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री और इसका पेपर एनालिसिस। पेपर एनालिसिस से मतलब है कि कौन से एग्जाम के अंदर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस अपने आए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने तीन एग्जाम लिए, कौन से, एक तो 2015, 2013, 2011, है ना। अभी तक आरपीएससी के कितने एग्जाम हुए, 2011 के बाद 3, जो चौथा एग्जाम होगा अब जो होगा वो होगा, ठीक है ना। अब देखो, अगर अपन देखें कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की। तो देखो सबसे पहले बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल में देखो एटॉमिक में से 2015 में 10 क्वेश्चन है, और 13 के अंदर 8 क्वेश्चन, और यहाँ पर 11 के अंदर 6 क्वेश्चन है। अपन यहाँ पर एवरेज मान सकते हैं कि इस टाइम जो क्वेश्चन आएंगे आपके 8 क्वेश्चन यहाँ से बैठेंगे, है ना। 8 क्वेश्चन प्लस माइनस 1 क्वेश्चन हो सकता है, आप 8 क्वेश्चन यहाँ से मान के चलना जो आपके किस टॉपिक में से बैठेंगे, एटॉमिक में से। इसी तरह देखो थर्मोडाइनमिक्स में कितने क्वेश्चन आएंगे, देखो 2015 के अंदर 12 क्वेश्चन है, 13 के अंदर 14, 11 के अंदर 11 क्वेश्चन है। तो आप मान सकते हो कि अभी लगभग 12 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, मतलब 24 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फिजिकल में ये हो गया, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री में आप लगभग 2 ही क्वेश्चन मानना, क्योंकि 2-2-1 क्वेश्चन से यहाँ से आए इन एग्जाम में 15-13-11 के अंदर 2-2-1, तो लगभग 2 क्वेश्चन मान लो यहाँ पर, ठीक है ना। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में 5-6-4-5, तो लगभग 5। देखो इसी तरह से केमिकल काइनेटिक्स के अंदर 10 क्वेश्चन अभी, और 6 और 9 क्वेश्चन यहाँ से आए, तो लगभग आप मान सकते हो 8 क्वेश्चन है। और सॉल्यूशन के अंदर कितने, 7-5-2, लगभग मान लो कि 5 क्वेश्चन सॉल्यूशन में से आ जाएंगे इस बार, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर टोटल है कि फिजिकल में 2015 के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन आए, 46 क्वेश्चन आए। फिजिकल केमिस्ट्री में से 2013 में टोटल 41 क्वेश्चन है, और 2011 में टोटल 30 क्वेश्चन है। अब अपन को देखना है कि फिजिकल केमिस्ट्री में अपन करें क्या। देखो पहले मैं सब कुछ ये बता देता हूँ, उसके बाद में आपको पढ़ना कैसे, जो एग्जाम है भी अपना 9 तारीख को, 11 को है केमिस्ट्री को, 11 जनवरी को, तो उसके हिसाब से आपको कैसे पढ़ना है उसकी बात करेंगे अभी, ठीक है ना। पहले मैं एक बार सभी को बता देता हूं। अब फिजिकल केमिस्ट्री में आप देखो थर्मोडाइनेमिक्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस है। देखो थर्मोडाइनमिक्स से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस क्यों है, क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स आपके 12th स्टैंडर्ड में भी दे रखा है, ग्रेजुएशन में भी दे रखा है सिलेबस में, और आपका पीजी लेवल का भी है, तीनों स्टैंडर्ड पर आपको थर्मोडाइनमिक्स दे रखा है, इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन 100% इसी से आएंगे फिजिकल में, ठीक है ना। उसके बाद अपन मान सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जिस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि 8 क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। उसके बाद कौन सा है, केमिकल काइनेटिक्स। अब देख इलेक्ट्रो से क्वेश्चन चाहिए माना आप 5 क्वेश्चन के लगभग, 4 या 5 क्वेश्चन ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रो केमिस्ट्री आपके 12th के सिलेबस में नहीं दे रखी है, जो आपका सिलेबस दे रखा है फर्स्ट ग्रेड का, उसमें 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में इलेक्ट्रो केमिस्ट्री नहीं दे रखी है। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री दे रखी है ग्रेजुएशन और पीजी में, तो 12th वाला सिलेबस गया ना, इसलिए इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में से 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो भी क्वेश्चन आएंगे अच्छे लेवल के आएंगे ग्रेजुएशन और पीजी के, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बैठेंगे 4 या 5 क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन, जिससे लगभग 5 क्वेश्चन बैठ जाएंगे इस बार आने वाले एग्जाम में, ठीक है ना। ये लगभग अपन ये मान सकते हैं कि औसतन देखे तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में से लगभग कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन। बाकी अपन को पता है सरफेस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चन ही आने, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। अब आप फिजिकल को करोगे कैसे कवर, देखो अपने एग्जाम कितने तारीख को है, 11। भाई आप तो 9 को ही मानो, क्योंकि 9 को तो आपका वही है ना जीके का, तो आप तो ये मान लो कि केमिस्ट्री अपन 7 जनवरी तक मान सकते हैं, 9 को है ना जीके का, 7 जनवरी मान लो आप, क्योंकि एग्जाम तो अपने पास कितने, एग्जाम तो अपन को पता है 11 जनवरी को है, लेकिन 7 के बाद आप केमिस्ट्री को नहीं उठा पाओगे ना। रीजन क्या है, क्योंकि आपको जीके भी तो साथ में लेनी है, ठीक है ना। अब देखो केमिस्ट्री को पढ़ोगे कैसे, आप ही मान के चलो कि आज से ही फिक्स कर लो, आज से फिक्स क्या करना है कि ऑर्गेनिक जैसे अभी अपनी चल रही है साथ में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप साथ में पढ़ रहे हो अभी, ऑर्गेनिक के साथ साथ आप फिजिकल का डेली एक टॉपिक उठाओ,
जैसे मान के चलो आज आज आपको क्या पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना ही मान लो, ठीक है ना। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े तो अपन ने रखा है ये सब कुछ, आपको एक्चुअली क्या करना है भी रिवीजन करना है, ठीक है ना। अब जैसे ही आप रिवीजन करोगे ना, तो रिवीजन के साथ फिक्स कर लो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आज खत्म ही करना है आज की डेट में, ठीक है ना। तो एटॉमिक के साथ आप जैसे आप इसको पढ़ोगे एटॉमिक को, तो आपको साथ में क्या करना है, एक अलग से रजिस्टर लेना है, ठीक है ना। रजिस्टर लेकर क्या करोगे आप, उस रजिस्टर में जो भी रजिस्टर है ना, उस रजिस्टर में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने भी फॉर्मूला है ना, मतलब जैसे आपने पढ़ लिया एक बार एटॉमिक, अब पढ़ने के बाद उसको समराइज करो। समराइज कैसे करना है कि जैसे भाई आइसोटॉप क्या है, आइसोबार क्या है, ये इस तरह से, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे जे थॉमसन मॉडल हो गया क्या है, पढ़ लिया आपने, ठीक है ना। उसका केवल बेसिक पॉइंट आप लिख लो, ठीक है। उसी के साथ आपने किसकी बात कर ली, जैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड नील्स बोर वाला, ठीक है ना, समझे, बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है, सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल, क्वांटम नंबर्स क्या है। करने का मतलब एक बार पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर को आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप उसको तुरंत साथ के साथ ही समराइज कर लो। इतना समराइज करो कि पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर एक से दो पेज के अंदर आ जाए, एक पेज दूसरा पेज, इससे ज्यादा नहीं। जैसे मान लो आपको पढ़ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो आप पूरा थोड़ी लिखोगे, तो रजिस्टर में लिखा हुआ है आपके पास नोट्स है, हाइजेनबर्ग इक्वेशन आपको लिखनी है केवल, क्यों, क्योंकि आपको वापिस 7 जनवरी को वो देख, वापिस आपका एग्जाम है ना 11 को, तो 9 जनवरी को आपका जीके का पेपर है, 10 और 11 तारीख, मतलब मेन आपके पास 10 तारीख है, 10 जनवरी को आपको वापिस देखना है उनको, 9 को तो आपका जीके है ना, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे 9 तारीख को आपका जीके का एग्जाम है, ठीक है ना। अब 10 तारीख को, 11 को तो वापस आपका केमिस्ट्री का है, तो 10 तारीख को आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है ना, तो 10 तारीख को आप रजिस्टर थोड़ी पढ़ सकते हो, भाई 5-6 रजिस्टर हो जाएंगे, जो भी रजिस्टर है आपके पास उनको थोड़ी पढ़ सकते हो आप 10 तारीख को, नहीं पढ़ सकते, लेकिन 10 तारीख को पूरी केमिस्ट्री देखना बहुत जरूरी है, भूल जाओगे ना। इसलिए क्या करो, जैसे आज की तारीख में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ी, ठीक है ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को आज ही समराइज कर लो, इतना समराइज करो कि दो पेज के अंदर आ जाए, इधर और इधर, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आप उसका फॉर्मूला लिख लो केवल, समझ में आ रहा है ना, है ना। डी ब्रोगली थ्योरी आपने केवल फॉर्मूला लिख लिया, क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल एजिमुथल, ठीक है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होते हैं, बेसिक चीज लिख ली 4-5 लाइन के अंदर, इस तरह से समराइज करो, तो एक पेज या दो पेज के अंदर वो 100% पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट आ जाएगी, क्लियर है तक। फिर आज एटॉमिक खत्म होगी आपकी, ठीक है ना, कल की तारीख में आप थर्मोडायनेमिक्स उठा लो, कल के दिन ही थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट करो और साथ के साथ इसको समराइज भी करो, ठीक है ना। नेक्स्ट दिन आप सरफेस उठा लो, सरफेस को लो तो ठीक है, नहीं तो अभी जो टाइम कम है उसके हिसाब से देख लेना, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है, है ना। फिर इलेक्ट्रो उठा लो, उसके साथ साथ केमिकल काइनेटिक्स, मतलब 1 by 1 एक एक दिन में ये सब उठाओ, समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और साथ के साथ इनको क्या करते जाओ, आप समराइज करते जाओ, ठीक है ना। तो करने का मतलब पूरी फिजिकल को जब आप समराइज करोगे तो कितने, 7 पेज के अंदर समराइज हो जाएगी, आगे पीछे 7, मतलब टोटल मिला के 14 पेज आगे ना, जिसमें आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री समराइज होगी, ठीक है। फिर अपन बात करें किसकी, इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ 1 से 2 दिन के अंदर पूरी इनऑर्गेनिक रिवाइज हो जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि अभी लेटेस्ट पढ़ी कुछ ही दिन पहले, है ना। फिजिकल पे जोर इसलिए दिया मैंने क्योंकि फिजिकल को पढ़े हुए टाइम हो गया, तो इसको भूल गए होंगे, है ना। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, फिजिकल पे। और डेली में बता रहा हूँ, एक एक चैप्टर को आप समराइज 100% कर लो, बहुत ज्यादा हेल्प होगी, है ना। शीट्स में बताऊंगा अभी आपको, तरीका बताऊंगा उसका, ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखो, रही बात अपन करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 दिन से 3 दिन के अंदर रिवाइज हो जाएगी पूरी, 2 दिन मान लो आप खींच के,
जिसमें रिवाइज हो जाए, क्योंकि कभी लेटेस्ट पढ़ी इसको थोड़ी, ये तो नहीं भूले होगे तो ऐसे दिमाग में होगी, ठीक है ना। और उसको साथ के साथ इसको भी समराइज कर लो पढ़ने के साथ ही, ऐसा नहीं है कि बाद में समराइज करना है, पढ़ने के साथ ही समराइज कर लो, मुश्किल से 4 से 5 पेज के अंदर आपकी पूरी इनऑर्गेनिक समराइज हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, लगभग 5 पेज मान लो आगे पीछे करके 10 पेज, जिसमें आपकी पूरी इनऑर्गेनिक समराइज हो गई, ठीक है ना। तो लगभग 10 पेज आप इसके मान लो, आप तो है ना 10 इसके मान लो, 20 हो गए, ठीक है ना। अब रही बात अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग से कितने क्वेश्चन उठे, 15, 13, 11 के अंदर 5, 5, 6 क्वेश्चन लगभग आप मानते हो कि केमिकल बॉन्डिंग से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे इस बार, ठीक है ना। अपन बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन से देखो सबसे ज्यादा चांस है 9 नंबर के, क्योंकि 7, 12, 7 और 9 क्वेश्चन आए, तो लगभग मान सकते हैं कि 9 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे ना। पीरियोडिक टेबल से 3, 4, 5 लगभग 4 क्वेश्चन आप मान सकते हो किस बार आ जाएंगे ना, प्लस माइनस 1 क्वेश्चन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्वेश्चन उतने ही आएंगे जितने मैंने एवरेज में लिख रखे हैं। एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, मैं गारंटी से दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जाम में उतने ही क्वेश्चन आएंगे टॉपिक से जो मैंने एवरेज में यहाँ पर लिख रखे है ना, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, ज्यादा नहीं आएगा। एप ब्लॉक से देखो 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन। अब आप ये नहीं देख सकते कि 2011 में एक ही क्वेश्चन आया, देखो कंटेनर इंक्रीज कर रखा है ना, 1, 9, 10, तो 100% आप मान सकते हो कि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से बैठेंगे। और एक ब्लॉक कितना सा है, अगर पढ़ोगे ना तो आधे घंटे में तो पूरा ही हो जाएगा, इतना सा है एक ब्लॉक, ठीक है ना। और क्वेश्चन कितने हैं, ठीक है, इसी तरह तो टोटल। अच्छा जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक मैंने कोऑर्डिनेशन प्लस पीरियोडिक टेबल के साथ ही ले रखा था जो अपन ने पढ़ाई उसमें, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से टॉपिक नहीं डाला, ठीक है ना। तो लगभग लगभग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने, 30, 25, 21 क्वेश्चन 15, 13 और 11 के अंदर आए, लगभग एवरेज आप 26 क्वेश्चन मान सकते हो, यहाँ से 26 क्वेश्चन मान सकते हो जो आपके एग्जाम में अभी आ जाएंगे। तो लगभग 2 दिन में इनऑर्गेनिक खत्म है, आप रिवाइज करोगे तो अभी, समझ में आ रहा है ना। और साथ के साथ इसको भी आप समराइज कर लो, तो फिजिकल केमिस्ट्री प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग 15 से 20 पेज में आपके समराइज हो जाएगी कंप्लीट, समझ में आ रहा है ना। रही बात ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक करंट चल रही है अभी, ठीक है ना। अब ऑर्गेनिक में यह है कि जैसे अभी जीओसी है, ठीक है ना, जीओसी से अभी 15 के अंदर 3 ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसके बाद 13 में 10 है, 11 में 11 क्वेश्चन है, लगभग मान सकते हैं कि 7, 8 या 9 क्वेश्चन यहाँ से अभी बैठ जाएंगे, क्योंकि जीओसी से इतने कम क्वेश्चन नहीं आते, और तो पेपर बनाने वाले पता नहीं कैसे दे दिए, इतने कम नहीं आते जितने 15 में आए, ठीक है ना। तो लगभग मान सकते हैं कि 7, 8 क्वेश्चन आपके जीओसी से आएंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। फिर अपन बात कर, देखो आईसोमेरिज में देखो 5, 6, 10 क्वेश्चन, लगभग 7 क्वेश्चन यहाँ से बैठ जाएंगे 100%। तो देखो आपके अभी नोमेनक्लेचर आज की क्लास में जैसे अपन नोमेनक्लेचर करेंगे, नोमेनक्लेचर के बाद फिर अपन आइसोमेरिज में ही, नोमेनक्लेचर के जस्ट बाद में आइसोमेरिज में का ही नंबर है, ठीक है ना। उसके बाद देखो रिएक्शन मैकेनिज्म देखो बड़ा पार्ट है एक, 16, 12, 13 क्वेश्चन, लगभग 14 क्वेश्चन मान सकते हैं आपके आइसोमेरिज में के जस्ट बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट होगी, ठीक है ना, जैसे बल्क में क्वेश्चन उठेंगे, समझ में ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है ना। तो जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठने के चांस है, ठीक है। अब अच्छा इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या है कि अभी जैसे आज की क्लास है, आज की क्लास का आज ही पढ़ोगे ना आप, पढ़ोगे तो उसको क्या साथ के साथ ही समराइज करो, साथ के साथ इसको समराइज कर लो, जे एक रजिस्टर में जब अलग लिख रहे हो ना आप, तो उसका साथ ही आज की क्लास को आज ही समराइज कर लो, मुश्किल से 8-10 लाइन के अंदर समराइज हो जाएगी, आधा पेज मान लो मुश्किल से, क्योंकि आपको करना क्या, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा तो आपको ये थोड़ी पूरी थोड़ी लिखनी है, तो रजिस्टर में लिखा हुआ है, आपको क्या लिखना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और एल्किन्स के अंदर देखा जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन और तौर पर आप बराबर लगता है, सिग्मा बॉन्ड टूटने की वजह से उत्पन्न होता है और पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू वर्क करता है, इस तरह से समराइज होता है। तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समराइज पार्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद रिएजेंट, रिएजेंट में एक बड़ा पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन से बल्क में आते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से अपन मान सकते हैं। उसके बाद देखो बायोमोलिक्यूल्स,
बायोमोलिक्यूल्स से लगभग लगभग अपन 2, 5, 6 क्वेश्चन है, लगभग 4 क्वेश्चन आज मान सकते हैं। देखो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से 1, 2, 2 लगभग 1 क्वेश्चन आप मानो, और पॉलीमर से 1, 4, 2 लगभग 2 क्वेश्चन आप मान लो। यहाँ से ड्रग्स, देखो ड्रग्स की जो सीट है अपने पास वो लगभग लगभग 5 से 6 पेज की सीट है, 5 से 6 पेज की सीट है, और 100% क्वेश्चन कम से कम 3-4 क्वेश्चन इससे आएंगे ही आएंगे। और ड्रग्स के तो बहुत इजी होते हैं, कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं उससे, तो आप इसको कंप्लीट जरूर कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रो में से 1, 3 और 3 लगभग आप मानो कि 2 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी सिंगल नहीं है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके सिलेबस में अल्ट्रावायलेट विजिबल है, NMR है, IR है, 3 टॉपिक है। जब आप 3 टॉपिक को कवर करोगे ना, किसको, अल्ट्रावायलेट विजिबल, IR और NMR के, तब आप मानो कि 2 क्वेश्चन कर पाओगे। और स्पेक्ट्रो के 3 टॉपिक का मतलब है कि फिजिकल के 3 टॉपिक गए आपके, समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब है कि प्रेजेंट एग्जाम के हिसाब से आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को इग्नोर कर सकते हो। हाँ, अगर किसी की शुरू से अच्छी मेहनत है, सब पढ़ रखा है उसने, तो उसकी उसके लिए नहीं, वो तो सब पढ़ो, मतलब स्पेक्ट्रो को भी क्यों छोड़ेगा। मैं तो कर रहा हूँ कि जैसे डेट अचानक आ गई अपने पास, टाइम बहुत कम है, काफी दिनों से डिस्टर्ब भी चल रहे थे भाई एग्जाम होगा नहीं होगा, उस कंडीशन के बात कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में आप क्या है कि स्पेक्ट्रो को फिलहाल इग्नोर आप कर सकते हो। रीजन क्या है, क्योंकि भाई एक बड़ा पार्ट है अल्ट्रावायलेट, IR, NMR, 3 को कवर करने के बाद चांस है कि आप 1 या 2 क्वेश्चन करोगे। अच्छा, दूसरी बात, आपने जैसे अल्ट्रावायलेट विजिबल पढ़ लिया, NMR पढ़ लिया, और सब कुछ करो, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन IR, वो IR से आ गया, सारी मेहनत बेकार हो गई, इसलिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो। औसतन 2015 के अंदर इससे टोटल क्वेश्चन कितने आए, 44, 13 के अंदर देखो 54, 11 के अंदर 66, ठीक है ना। तो यहां पर देखो लगभग अपन मान सकते हैं कि 50 से 55 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उठेंगे, 50 से 55 क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा फोकस आपको किस पे करना, जीवो से, जीवो से तो पैरेलल चलती है हमेशा, ठीक है ना, आइसोमेरिज्म, ये आपके रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएजेंट, ये पार्ट है जिस पर आपको फोकस करना है। देखो पेरी अभी फिलहाल आप छोड़ सकते हो, रीजन क्या है, क्योंकि पेरिसाइक्लिक की काफी बड़ी है और क्वेश्चन उठेगा मैक्सिमम 1, हो जाए कभी कभी 2 आ जाए, अदरवाइज 1 क्वेश्चन, क्योंकि मैं बता रहा हूँ पेरी को कंप्लीट करने का मतलब है कि आप फिजिकल में सबसे बड़ा टॉपिक कवर कर सकते हो। आप पूरी थर्मो को पढ़ लो, ये केवल पेरी को पढ़ लो, आप थर्मो को पढ़ोगे तो वहाँ पर क्वेश्चन आपके पास आएंगे 12, और आप उसी पेरी को पढ़ोगे तो आप रह जाओगे 1 क्वेश्चन पर। इसलिए प्रेजेंट एग्जाम के हिसाब से आप पेरिसाइक्लिक को भी इग्नोर कर सकते हो, स्पेक्ट्रो को भी इग्नोर कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर मेन फोकस आपको देखो, एक तो ड्रग्स पर कुछ भी नहीं है, आधे से 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। और फोकस GOC, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट, आप इनको हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ऑर्गेनिक में इन पार्ट पर आप फोकस करना, समराइज आपको 7 के 7 ही करना है, ठीक है ना। ये हो गया ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में अभी करंट पड़ी पूरी इनऑर्गेनिक की, छोटी सी कुछ भी नहीं, 2 दिन के अंदर रिवाइज हो जाएगी, समराइज 7 में कर लेना। और एट फिजिकल का मैंने बता दिया कि आज से आप 1 चैप्टर कम से कम डेली उठाओ और उसको 7 के 7 ही समराइज करोगे। अब देखो समराइज करोगे ना तो ये सारा जो भी मैंने बताया ना, मुश्किल से 25 से 30 पेज के अंदर आपको समराइज हो जाएगी पूरी, 30 पेज मान लो, आगे पीछे 60 पेज। अब 60 पेज में आपकी पूरी ये केमिस्ट्री समराइज हो गई फर्स्ट ग्रेड की। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या होगा, 9 तारीख को आप GK का पेपर दोगे, 9 तारीख को, 9 जनवरी को किसका पेपर दोगे, GK का। अब आपको आपके पास केवल और केवल बचा 10 तारीख, क्योंकि 11 को तो एग्जाम है, कितने बजे है ना, अब वो जो भी है चलो कुछ भी, आप तो 10 तारीख मान लो है ना, आपके पास कुल मिलाकर 10 तारीख है ना। मैं बता रहा हूँ आज आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, लेकिन लास्ट टाइम पे रिवाइज नहीं किया ना, तो क्वेश्चंस आप करते हो टाइम और गलत करते हो, इसलिए लास्ट के दिन पूरी केमिस्ट्री रिवाइज होना जरूरी है। पूरी केमिस्ट्री आप 5-6 रजिस्टर को रिवाइज नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है एक दिन के अंदर, चाहे आपकी कितनी बच्ची हो। तो उस समय आपको क्या करना है, जो समराइज मैटर है वो आपको पढ़ना है,
और उसको ऑन टिप्स ले आना है एक दिन के अंदर, क्योंकि वो तो आपने करंट में बनाया है, वो आपको पहले से ही पता है। तो वो एक दिन के अंदर आप अगर भूल भी गए ना, जैसे किसी का फॉर्मूला निकल गया सपोज केमिकल काइनेटिक्स से, अब कोई क्वेश्चन उठ के आया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन आ गया कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99% 10 मिनट में कंप्लीट होती है, बताइए कि अभिक्रिया 50% होने में कितना समय लगेगा। अब ये फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला ही पता नहीं है तो इस क्वेश्चन को कैसे कर लोगे आप सॉल्व? नहीं कर सकते ना। और आज आपने मान लो कि दो दिन बाद आपने सपोज करो जैसे 28 तारीख को आपने केमिकल काइनेटिक्स को रिवाइज किया है, उसके बाद मुझे पता है आप रिवाइज नहीं कर सकते दोबारा, क्योंकि अभी जो पढ़ोगे ना लास्ट टाइम है आपका, एग्जाम के बाद एग्जाम तक आप दोबारा नहीं पढ़ सकते, टाइम ही नहीं इतना, ठीक है ना। तो आज मान लो आज की तारीख में आपने केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ लिया, आपको लगता है कि केमिकल काइनेटिक्स आपको 11 तारीख को याद आ जाएगी पूरी? नहीं, कि भूल जाओगे 100%, कुछ भी नहीं बचेगा माइंड में, बहुत कम चीजें बचेगी, तो आप क्वेश्चन भी नहीं अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो गई ना मेहनत, समझ में आ रहा है ना। इसलिए अगर वो समराइज आपने कर रखी है ना, तो वो आप 10 तारीख को 10 तारीख को ही उसको पूरी को रिवाइज कर लोगे, 11 को भी एग्जाम से पहले आप उसको देख सकते हो, ठीक है ना। बल्कि मैं तो यू कर रहा हूं कि जो समराइज करोगे ना आप साथ के साथ, जैसे एटॉमिक का आज के आपने आज की तारीख में, तो आप उसको कल जब थर्मो को समराइज करोगे तो एटॉमिक को भी देख लो, 2 पेज देखने कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेंगे, समझ में आ रहा है। और वो समराइज मैटर को आप डेली देखोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ जिसने इस तरीके को अपना लिया 100% उसका 11 को एग्जाम होने के बाद भी सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो। और फॉलो नहीं किया आप डायरेक्टली चाहे कि ये पढ़ लिया आपने फिजिकल, फिर इनऑर्गेनिक पढ़ ली, फिर ऑर्गेनिक पढ़ ली, मैं बता रहा हूँ आज आप फिजिकल पढ़ोगे 11 तारीख तक वो आदि भी नहीं बचेगी दिमाग में, उड़ जाते हैं ना, है ना, 2-3 दिन के अंदर माइंड से काफी साफ हो जाते हैं। इसलिए क्या है कि इनको समराइज करो, क्योंकि अपन को पता है कि एटॉमिक आज पढ़ोगे आप तो दोबारा पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी बहुत है, जीके भी देखोगे, समझ में आ रहा है। ऐसा करने से क्या, पूरी केमिस्ट्री को आप रिवाइज करोगे तो आपको पास 10 तारीख आपको मिलेगी, क्योंकि 11 को आपका ये पेपर है तो 10 तारीख को आप उसको कंप्लीट रिवाइज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जैसे केमिकल काइनेटिक्स है मान लो, केमिकल काइनेटिक्स में जैसे फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला 2.303/K है ना लॉग, देखो समराइज कैसे, ये तो क्लियर हो गया होगा ना मेरे हिसाब से कैसे करना है। मैं एक चैप्टर का बता रहा हूँ आपको, आपको बाकी पर वही अप्लाई करना है। जैसे मैं केमिकल काइनेटिक्स का एग्जाम्पल लेकर आपको बता देता हूँ कि इसको समराइज कैसे करना है, ठीक है ना, बाकी पर आपको सब कुछ वही अप्लाई करना है। ये तो क्लियर हो गया होगा कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन किससे है। अच्छा, छोड़ने कुछ भी नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है आपको, ये छोड़ दिया कि फिजिकल केमिस्ट्री को चलो बाद में पढ़ लेंगे, फिजिकल छोड़ दिया, बचा क्या है, समझ में आ रहा है, इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है। हाँ, जीके में आप पार्ट कम कर सकते हो, क्योंकि जीके सबकी एवरेज होती है भाई, एक बहुत ही अच्छी स्टडी कर रहा है ना, आपके जीके का पेपर कितना है, 150 नंबर का, जिसकी मेहनत जबरदस्त है वो ज्यादा 80 नंबर लाएगा उसमें, और जिसकी मेहनत कम है ना वो भी कम से कम 50 नंबर ले आएगा। तो आप अच्छी मेहनत करने में और कम मेहनत करने में केवल कितने नंबर का फर्क आ रहा है, 30 नंबर का आ रहा है, तो जीके में इतना फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। आपके जो फर्क पड़ेगा ना सब्जेक्ट में पड़ेगा, सब्जेक्ट में पूरी मेहनत कर लो, ठीक है ना। इसलिए सब्जेक्ट में तो क्या आलस बिल्कुल ही मत करो, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे आप तैयारी करो, 100% सिलेक्शन निकलेगा, ये है ना कंप्लीट, है ना। अब देखो आपको करना क्या है, देखो समझना आप, जैसे मैं एक चैप्टर की बता रहा हूँ कि सपोज करो आपको केमिकल काइनेटिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, मान लो तो आपको कैसे बनाना है, देखो जैसे केमिकल काइनेटिक्स मान लो थोड़ी देर के लिए कि आज आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो उसके शॉर्ट नोट्स मैंने क्या किया, पढ़ते ही तुरंत बना लो तो मुश्किल से क्या 5 से 10 मिनट के अंदर बन भी जाएंगे, भी पढ़ा तो आपने अभी है, और तुरंत ही उसको अलग से लिखोगे फॉर्मूले वगैरह तो 5 से 10 मिनट में बन जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स, अब आप इसको कवर कैसे करना है, देखो आज आपने इसको रिवाइज किया अच्छे से,
रिवाइज करने के बाद मैंने क्या कहा, तुरंत शॉर्ट नोट बनाओ। कैसे बनाओगे, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में भाई क्या है, सबसे पहले देखो सबसे पहले है रेट, रेट क्या होती है, डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक है ना। डी एक्स के चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट और टाइम टेकन, हो गया खत्म, ठीक है ना। फिर यूनिट साथ में, यूनिट अपन को लिखो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। डी एक्स कंसंट्रेशन में चेंज है, इसका मतलब यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, या टाइम है मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया भाई यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हो गया काम, ठीक है। फिर अपन को बात करनी जो है रेट लॉ, ठीक है ना। अब रेट लॉ क्या होता है, जैसे कोई भी एक रिएक्शन ले ली, एन ए प्लस एन वन ए प्लस एन टू बी प्लस, और यहाँ पर हो गया जैसे एन थ्री सी प्लस एन थ्री डी एन फोर डी, ये ठीक है ना। तो अपन को पता ये क्या है, डी ए अपॉन डी टी माइनस इक्वल, ये आगे ये भी आएगा ना, वन अपॉन एन वन इक्वल माइनस वन अपॉन एन टू डी बी अपॉन डी टी, इसी तरह से वन अपॉन एन थ्री डी सी अपॉन डी टी इक्वल वन अपॉन एन फोर डी डी अपॉन डी डी, ये हो गया, ठीक है ना। रिएक्टेंट के आगे माइनस लगाते, प्रोडक्ट के आगे प्लस लगाते। यहाँ पर देखो ये क्या है, जो ब्रैकेट में लिखा है कंसंट्रेशन चेंज है, यहाँ पर आप कंसंट्रेशन ले सकते हैं मोल पर लीटर में, डायरेक्ट मोल भी दे रखा हो तो भी ले सकते हैं, लेकिन वेट नहीं ले सकते, मतलब ग्राम या किलोग्राम नहीं ले सकते। अगर ग्राम किलोग्राम दे रखा है तो आपको उसको पहले मोल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो देखो ये आपने पढ़ तो लिया ही सही ना अभी आज, अब आपको क्या करना है कि दोबारा यू नहीं करना कि डी ए पॉन डी टी क्या है, ये क्या है, वो तो सब आपने देख लिया, उसको थोड़ी भूलोगे, ये रिएक्शन सामने आते हैं। लेकिन अगर यही माइंड में से निकल गया तो बचा क्या है, कुछ नहीं बचा, जिसमें ये कंप्लीट हो गए न्यूमेरिकल, आप साथ में भी सोल्व करोगे जो भी देखोगे रजिस्टर में, आपको उस दिन कुछ नहीं करना सोल्व, उस दिन केवल इनको दिमाग में फिक्स करना है, ठीक है ना। ये हो गया रेट लॉ। फिर क्या है, जैसे ऑर्डर, ऑर्डर जैसे रेट लॉ हो गया, रेट लॉ क्या है देखो, रेट लॉ रेट इक्वल के ए के पावर एन, ये होता है के रेट कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब देखो रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात करें तो क्या होगी, के इसकी यूनिट, इसकी रेट अपॉन ए के पावर एन, रेट की यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर, आप सॉल्व करोगे तो मोल पर लीटर के पावर वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स, ये हो गई। अब आपको यू थर्ड लिखनी है कि फर्स्ट ऑर्डर की क्या होगी, सेकेंड की क्या होगी, थर्ड की क्या होगी, तो निकल जाएगा। तो लेकिन ये तो फिक्स हो गया ना दिमाग में। फिर बात करें ऑर्डर क्या है साहब, तो ऑर्डर को कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बताया, जैसे है ना आर डी एस, जैसे किसी रिएक्शन के एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर का सम ऑर्डर होता है ना, रिएक्शन के स्लो स्टेप में भाग लेने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या ऑर्डर होती है ना, इस समझ में आ रहा है ना। और भी अपन बात कर सकते हैं कि यदि किसी रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लिया जाए तो उसके रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर जीरो हो जाता है, समझ में आ रहा है। यदि किसी रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म दे रखी तो स्लो स्टेप में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनको गिन लो, वही रिएक्शन का ऑर्डर होता है। इस तरह से आपने कर लिया, ये हो गया। उसके बाद जिसे अपन चले मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन में भाग लेने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या होती है, ठीक है ना, ये लिख लिया। उसके बाद अपन चले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपने लिख लिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स अपॉन टी होती है, एक्स के कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, टी टाइम टेकन, के रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, यूनिट यहाँ से निकाल सकते हो, एन के स्थान पे जीरो रखो तो वन माइनस जीरो इक्वल वन, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हो गई, ठीक है ना। फिर अपन को पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इसके ग्राफ्स, ग्राफ्स आपको एक बार अभी रिवाइज करोगे उसी टाइम देखने की जरूरत है, उस टाइम देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूले से बन जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर का देख लिया, के इक्वल क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर में, 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब देखो अगर मान लो यहां पर मैं ए माइनस एक्स वन
अपॉन ए माइनस एक्स टू भी कर सकता हूँ, उस कंडीशन में टी टू माइनस टी वन होगा, या पर सी नॉट अपॉन सी टी भी कर सकता हूँ, है ना, विलहेल्म इक्वेशन लिखाने के लिए, यहाँ पर मैं एन नॉट अपॉन एन टी भी कर सकता हूँ, है ना, ये किसके लिए हो जाएगा, अपने रेडियो एक्टिविटी के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से इसके हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिख लो कि 0.693 अपॉन टी, तो कनेक्ट मतलब आप इस तरह से करोगे, इस तरह सेकंड का हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला भी हो जाएगा, ऑर्डर कैसे निकालते वो हो जाएगा, आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है और कोलिजन थ्योरी वो हो जाएगी। मुश्किल से आपको क्या लगता है 1.5 से 2 पेज के अंदर केमिकल काइनेटिक्स समराइज हो जाएगी। अब ये सारे फॉर्मूले क्या है, अगर आपने नहीं लिखे ना तो वहां तक क्या है आपके दिमाग में तो रहेंगे लेकिन आधे अधूरे हो जाएंगे, तो उनको क्या आप भूल जाओगे। अब मान लो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आया, फर्स्ट ऑर्डर का ही क्वेश्चन आया, ठीक है, अब आपके दिमाग में करो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला ही नहीं है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप। अच्छा, इसके साथ साथ एक बार आपने समराइज कर लिया ना, जब आप न्यूमेरिकल वगैरह कुछ सॉल्व करो तो अब रजिस्टर को मत देखो, अगर जरूरत भी पड़ जाए कुछ भूल भी जाए तो दोबारा किसको देखोगे, जो समराइज पार्ट है उससे आपको डायरेक्ट ये पता चल जाएगा जो आपने समराइज किया है उसी को डायरेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैसे अप्लाई करो। मैं बता रहा हूँ परमानेंट दिमाग में पिक्स हो जाएगी चीजें, फिर आप इनको नहीं भूलोगे, ठीक है ना, और क्योंकि अगर ऐसा कर लोगे ना तो कितने लगभग मतलब 30-35-40 पेज के अंदर आपकी पूरी समराइज होगी, 25 पेज से 30 पेज मान लो आप, तो आप उसको 10 तारीख को, क्योंकि पढ़ तो अभी भी रहे हो ना आप, तो उसको 10 तारीख को रिवाइज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, आराम से रिवाइज हो जाएगी, और 10 को रिवाइज हो गई वो तब बता उधर सिलेक्शन में आपके दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लो 10 को रिवाइज नहीं करी ना तो आप फोकस अभी भी नहीं कर पा रहे, बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो ही चुके हो, तो फिर आप 11 तारीख को क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो मेरे हिसाब से ये तो क्लियर हो गया होगा कि आपको फोकस किस प्रकार से करना है। ये सब बताने का मतलब मेरा एक ही एम है कि आप साथ के साथ ही हर टॉपिक को समराइज करते हुए चलो, है ना, जिससे आपके किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और लास्ट के टाइम आप कम से कम उसको रिवाइज कर सको, ठीक है ना। ऑर्गेनिक में इतना बड़ा इशू नहीं, ऑर्गेनिक साथ के साथ अभी पढ़ ही रहे हो ना आप, तो साथ के साथ इसको समराइज करो, ऐसा नहीं कि बाद में करना है। अब ऑर्गेनिक में समराइज में क्या है भाई, कुछ नहीं है, कैसे जैसे अपन ने शुरू में किया, स्टार्टिंग से चले अपन, स्टार्टिंग में अपन ने किसकी बात करी है ना, रिएजेंट्स की बात करी है, रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल में आपको सब कुछ जो नोट्स में लिखा है ऐसे लिखने की जरूरत थोड़ी है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, क्या क्या हो सकती है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जिनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जिनमें वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है ना, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल जिनमें सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सेंट्रल से ज़्यादा होते हैं, इस तरह से 3-4 एरो बनाए इलेक्ट्रोफाइल का था, न्यूक्लियोफाइल इसी तरह से, फिर आपने देखा इंडक्टिव इफेक्ट प्लस माइनस आई, तो प्लस आई माइनस आई ये सब पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, आपको सीरीज लिखनी, प्लस आई की सीरीज ये है ना, सी एच टू माइनस एन एच माइनस ओ माइनस आर सी डबल ओ माइनस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, समझ में आ रहा है ना, फिर सी डी 3 टी डी एच ये हो गए, फिर देखना है सीरीज ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है ना, तो माइनस आई ओ एफ टू ओ आर टू प्लस, ठीक है ना, एन एफ थ्री एन आर थ्री प्लस एन एच थ्री प्लस, ठीक है ना, एन ओट हो जाएगा, है ना, इस तरह से हो जाएगा, एन ओट हो गया, सी एन हो गया, एस ओट आर, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड फ्लोरिन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है ना, ओ आर ओ एच, उसके बाद में एसिटिलीन, फिर क्या आ जाएगा, है ना, फेनिल आ जाएगा, फिर सी एच डबल बोन सी एच टू सी एच डबल बोन सी एच टू, फिर एच आ जाएगा। अब ये जैसे अब आपको ये तो पता है कि माइनस आई ये होता है, इसको बोलते हैं, लेकिन मान लो कि आप उसका ऑर्डर भूल गए, अब कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे मान के चलो सीधा सीधा एक एग्जांपल दे दो, सपोज करो आपको इसकी एसिडिटी को कंपेयर करना है, इसकी एसिडिटी को कंपेयर करना है एन ओ टू और यहाँ सी डबल ओ आर एस ओ टू, अब मान के चलो आपको ये पता नहीं कि माइनस आई इसका ज़्यादा इसका ज़्यादा है, तो आप क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, आपको ये तो पता है माइनस आई ये होता है लेकिन इसका ऑर्डर पता नहीं है, नहीं कर पाओगे, तो मेहनत बेकार हुई नहीं,
तो कहने का मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें होती है उसकी वजह से अपना पढ़ा पढ़ाई सब बेकार हो जाता है, ये होता है ना। इसलिए क्या है कि इन चीज़ों को साथ में ही समराइज कर लो। अब क्या ये चीज़ें ऐसी कि आपको डेली इनको देखो, अच्छा समराइज पार्ट को डेली देख भी सकते हो, उसमें थोड़ी टाइम लग रहा है। इसलिए क्या ऑर्गेनिक में यूँ नहीं कि पहले अपन पढ़ ले बाद में समराइज करोगे, वहाँ तो टाइम ही नहीं मिलेगा। इसको तो क्या साथ के साथ ही कर लो। फिजिकल और इनऑर्गेनिक में देखो, मैं आपको बता चुका हूँ कि 7 टॉपिक तो अपना फिजिकल का है और इनऑर्गेनिक के कितने हैं, 4। 7 और 4 कितने हैं, 11 दिन। आज कितनी तारीख है, 27। अपने पास कितने बचे, देखो 27, 28, 29, 31 हो गया ना। और उधर मान लो आप 7 दिन, मतलब अपने पास 11 दिन है ना, 11 दिन है। टॉपिक कितने, 7 और 4, 11 हो गया ना शेड्यूल। रही बात ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक में क्या बता रहे, जैसे पढ़ रहे साथ के साथ ही करो। तो आपको नहीं लगता कि आपके पास 10 तारीख के लिए पढ़ने के लिए कंप्लीट मैटर होगा अलग से? 100% होगा भाई, 100%, 1% भी चांस नहीं है। और वैसे पढ़ लिया ना तो मैं बता रहा हूँ आपका इम्प्रूव, आपका जो सब्जेक्ट है ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। आप 1% भी नहीं भूलोगे। जब आप एक क्वेश्चन करने की हिम्मत रखते हो तो आप, मैं बता रहा हूँ, एक की जगह 4 क्वेश्चन करोगे वहाँ पर। सुन, अच्छा दूसरी बात, एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी कि एक तो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं कि दिमाग में आधे अधूरी बातें हैं, उसमें क्या सही क्वेश्चन होने के गलत कम चांस है और गलत होने के ज़्यादा चांस है। लेकिन अगर परफेक्ट अपने दिमाग में फिक्स है हर चीज़, तो आपका क्वेश्चन होगा और सही होगा, गलत भी नहीं होगा। छोड़े तो एक तो एक्यूरेसी बढ़ गई, दूसरी बात क्वेश्चन ज़्यादा करोगे, तीसरी बात टाइम भी आपको कम लगेगा। उसी टाइम के अंदर आप भाई, एक तो क्वेश्चन है कि आप, एक तो केस है कि आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, आप पहले उसको समझोगे फिर सोचोगे पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आया, और एक ही आपने क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर दिया। दोनों में तो बहुत अंतर है। और वो ऐसा तभी करोगे ना जब क्वेश्चन पढ़ते आपके दिमाग में आ जाए कि क्वेश्चन करना कैसे, और वो तभी करोगे जब आपके दिमाग में पहले से ही हो कि इस टाइप की क्वेश्चन को अपन ऐसे सॉल्व करेंगे, और वो तभी होगा जब आप उस मैटर को सेम डे एग्जाम के दिन या एग्जाम से एक दिन पहले आप कंप्लीट रिवाइज कर लो, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मेरे साथ क्लियर हो गया होगा कैसे करना है, आज से ही आप इसको शुरू कर दो, मतलब 100% सिलेक्शन होगा 100%, ठीक है ना, जितनी सीटें हैं ना उन पर, ठीक है ना। आप इस तरह से करना मैडम, है ना, हो गया होगा क्लियर है सब, ठीक है ना। चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा।